questions that have been asked in GATE 2019 chemistry paper. So let's start with the first question. In the first question, it is asked that the incorrect statement about the solid state structure of CaCl and CaF2 is. So as we know, CaCl अगर हम ये क्यूब कंसीडर करें तो इसमें CaCl के इसमें क्या होता है, जो CS होता है वो प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर पे, यहाँ पर होता है सीजियम, और जो Cl है ये होता है कॉर्नर्स पे प्रेजेंट, तो यहाँ पर कैल्शियम होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, काइंड ऑफ BCC, बिकॉज सीजियम इज प्रेजेंट इन सेंटर एंड कैल्शियम एट द कॉर्नर्स। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, सीजियम के सराउंडिंग में कितने हैं, 8, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8। अब दूसरा जो दिया हुआ है हमें वो है कैल्शियम फ्लोराइड, ये क्या होता है, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है FCC में या फिर हम बोल सकते हैं CCP में, और जो F2 है वो प्रेजेंट होता है टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो इस वाले केस में भी क्या होगा, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कैल्शियम का वो कितना होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, तो अगर हम FCC कंसीडर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 4, और उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 8, और ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे, 4। तो यहां पर भी सर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8। तो जो हमारा ऑप्शन है जिसमें दिया हुआ है फर्स्ट जो है उसका ऑप्शन, कटायंस इन बोथ सॉलिड्स एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर 8, तो ये वाला तो सही है, लेकिन जो लास्ट वाला ऑप्शन है ऑप्शन डी विच सेज बोथ एग्जिबिट क्लोज पैक स्ट्रक्चर विच इज रॉन्ग, क्योंकि सिर्फ इसका FCC वाला स्ट्रक्चर इसका BCC है, क्योंकि सीजियम जो है वो सेंटर पे प्रेजेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICl3, इट्स अबाउट दिस ICl3। तो इसका अगर हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर तो ये किस तरह का दिखता है, ऐसा। इस तरह का, तो इसका इसके ज्योमेट्री एक ऑप्शन में दिया हुआ है कि ज्योमेट्री अराउंड द आयोडीन इज टेट्राहेड्रल विच इज रॉन्ग, क्योंकि ये कैसी है, TBP। तो इसने पूछा हुआ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि कौन सी होगी, ज्योमेट्री अराउंड द आयोडीन इज टेट्राहेड्रल इन सॉलिड स्टेट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोटोन NMR, इट इज आस्किंग द नंबर ऑफ 1H NMR सिग्नल्स ऑब्जर्व फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो पहले हम उस पर कंपाउंड ड्रॉ करते हैं, कंपाउंड ड्रॉ करने से आपको पता चलेगा कि इसमें सेंटर ऑफ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अच्छे से समझ आए इसके लिए मैं प्रोटॉन्स भी यहां पर ड्रॉ कर देती हूं। इसने पूछा हुआ नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आएंगे हम प्रोटॉन NMR में, तो हम देखेंगे कितने टाइप के प्रोटॉन्स अवेलेबल है इसमें। तो सबसे पहली बात, इसमें क्या है, सेंटर प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो यहां से क्या हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, यहां से सेंटर से, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ये वाले हैं CH3 और ये वाले CH3 इक्विवेलेंट हो गए, ऐसे ये वाले प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन क्या है, इक्विवेलेंट है, तो इन दोनों की वजह से एक आएगा एक सिग्नल, इन दोनों का भी एक अलग सा सिग्नल आएगा, एक इसका आएगा 3। अब देखते हैं, ये एक ये हो गया 4, अब पाए जाते हैं इन वाले प्रोटॉन्स। तो इस वाले केस में क्या है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो यहां से ये ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, तो क्या होगा, हम ये देख सकते हैं कि जब हम मॉडल कंसीडर कर रहे होते हैं, मतलब अगर सिमेट्री एलिमेंट से निकालते हैं, तो अगर कोई भी दो प्रोटॉन्स अगर वो प्लेन ऑफ सिमेट्री से मतलब रिफ्लेक्ट होते हैं, तो उस वाले केस में क्या होता है, वो एनिसोट्रॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं, और एनिसोट्रॉपिक प्रोटॉन्स का क्या होता है, एक ही सिग्नल आता है, तो ये जितने भी प्रोटॉन्स हैं ये वाले सबका एक सिग्नल आएगा, तो इस केस में हमारे पास टोटल सिग्नल्स कितने हो जाएंगे, 5, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से है, इट
क्या दिया हुआ है यूरेनियम। पर आपसे पूछा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स दैट विल बी एमिटेड इन द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव डिके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम ही होता है, इसका चार्ज प्लस टू और ये मास होता है फोर, और बीटा पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन ही है माइनस वन मतलब जीरो। इस केस में क्या होगा इसका आंसर, अगर हम यहां से देखो डायरेक्ट, यहाँ पे 238 है और यहाँ पे 210 है, मतलब डिफरेंस कितना है 28 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर लगा हुआ है, जितना भी मैं करूंगी वो फोर से मल्टीप्लाई होगा, तो अगर मैं यहाँ पे सेवन लगा दू तो ये क्या होगा, सेवन फोर सा 28, तो मास तो बैलेंस हो जाएगा उससे, क्योंकि यहाँ पे 210 है और यहाँ पे 28 कितना हो जाएगा 238, तो यहाँ पे तो सेवन हो गया। अब अगर हम बात करें चार्ज की तो ये कितना आ जाएगा प्लस 14, और यहाँ पर हमें कितना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल का डिफरेंस है वो कितना है 10, तो हमें प्लस 10 चाहिए जबकि हमारे पास कितना है प्लस 14, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको, अगर हम यहाँ पे 4 अगर ये ले लेंगे तो ये देगा माइनस 4, तो टोटल कितना देगा प्लस 10। इन्होंने पूछा भाई नंबर ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स कितने होंगे, तो हमारे पास कितने रहेंगे 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11, तो 11 इज द आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है क्रैम्स मॉडल से, इस वाले केस में हम क्या देख सकते हैं कि जो रिएजेंट डाला हुआ है इथाइल लिथियम, इस वाले केस में क्या करता है, जो लिथियम होता है वो स्लेटिंग मतलब जिलेट करता है, और जो कार्बोनिल के साथ में जो नेक्स्ट ग्रुप लगा हुआ है उसमें क्या है OCH3, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर्स, और हमारा जो रिएजेंट है उसमें क्या डाला हुआ है इथाइल लिथियम, तो ये लिथियम क्या करेगा इसके लोन पेयर साथ यहाँ के लोन पेयर्स और इसके साथ क्या करेगा स्लेट करेगा ऐसे, तो इसका आंसर क्या होगा क्रैम्स स्लेशन मॉडल, तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिजिकल का है, इसमें क्या पूछा हुआ है, द एंट्रोपी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ एक्स मोल्स ऑफ आइस हीट ऑफ फ्यूजन इज गिवन टू अस 80 कैलोरीज पर ग्राम एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 28.80 केल्विन कैलोरीज पर कैलोरी, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स बेसिकली क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, ठीक है। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, हमें दिया हुआ है डेल्टा एस 28.80 कैलोरीज पर कैलोरी, और डेल्टा एच जो गिवन है वो है 80 कैलोरीज पर ग्राम, टेम्परेचर हमें गिवन है 273 केल्विन। हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो देखो अगर यहां से देखेंगे तो हमें कुछ निकालने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, अगर हम यूनिट से देखते हैं कैलोरीज से कैलोरीज कैंसिल हो जाएगा, यहां से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कैल्विन भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा हुआ है पर ग्राम। तो मैं क्या करती हूँ इसको फॉर्मूला हम अपने हिसाब से जस्टिफाई करेंगे, जैसे सपोज मैं यहाँ पे लगा देती हूँ वेट डब्ल्यू का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पे मैं डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया, तो डब्ल्यू बेसिकली क्या है जितना मास यूज हुआ है जितना आइस का मास कन्वर्ट होगा मतलब, तो हम क्या करेंगे इसे डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे, डब्ल्यू हमारा क्या होगा ग्राम्स में आ जाएगा, तो जैसे इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 98.28 ग्राम्स, मतलब इतनी ग्राम आइस जो है वो कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। हमसे क्या पूछा हुआ नंबर ऑफ मोल्स पूछे हुए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो मास क्या है 98.28 ग्राम्स, और मोलिकुलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा इट विल कम आउट टू बी 5.46 मोल, दिस इज द राइट आंसर। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 5.46। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सरफेस केमिस्ट्री से है, जिसमें फ्रेंडली आइसोथर्म के बारे में पूछा हुआ है कि लीनियर रिलेशनशिप इज ऑब्टेन्ड इन द प्लॉट ऑफ, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फॉर्मूला होता है फ्रेंडली आइसोथर्म में थीटा विच इज सरफेस कवरेज
इज इक्वल्स टू के इंटू पी टू दी पावर एम एन बाय एन. ठीक है, अगर हम दोनों साइड लोग ले लें, जैसे एल एन थीटा विल बी इक्वल टू एल एन के प्लस वन बाय एन ऑफ एल एन पी. ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई है जिसमें हम ले सकते हैं इसको वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो ग्राफ किसका बनाएंगे, एल एन थीटा वर्सेस एल एन पी, और ये किस तरह ग्राफ आएगा एक्स. तो हमारा ऑप्शन क्या है, इसमें जो ऑप्शन बी दिया हुआ है एल एन थीटा वर्सेज एल एन पी, वही है अपना करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से प्रोटोन एनएमआर से. इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर, उसमें जो प्रोटोन है वो रेजोनेट कर रहा है 1560 हर्ट्ज पे. हमें क्या निकालना है, बेसिकली केमिकल शिफ्ट वैल्यू निकालनी है किस यूनिट में, पीपीएम में. तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जो अगर डेल्टा विच इज इन पीपीएम विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, जो कि हर्ट्ज में जो वैल्यू गिवन होती है वो नीचे आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज इन मेगा हर्ट्ज. ठीक है, ये किस चीज की है, ये इंस्ट्रूमेंट की है. ठीक है, और ये वो फ्रीक्वेंसी है जिससे जो प्रोटोन है वो रेजोनेट कर रहा है. तो डेल्टा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेजोनेट कर रहा है 1560 हर्ट्ज पे और इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है 400 मेगाहर्ट्ज. अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3.9 पीपीएम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर अ टू स्टेट सिस्टम एट थर्मल इक्विलिब्रियम हैविंग एनर्जी जीरो एंड टू केवीटी फॉर विच द डिजेनरेसीज आर वन एंड टू रिस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ द पार्टीशन फंक्शन एट द सेम एब्सोल्यूट टेम्परेचर टेक इज. हमें क्या करना है, पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. हमें पता है जनरल फॉर्मूला जो होता है पार्टीशन फंक्शन का वो क्या होता है, समेशन ऑफ जी विच इज डिजेनरेसी ई टू द पावर माइनस ई आई अपॉन के टी. ये होता है जनरल फॉर्मूला. अगर हम इसको अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड, मतलब स्टेट्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जैसे यहां पर यहाँ पर टू स्टेट सिस्टम है, तो ये क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट स्टेट है उसको हम ऐसे वन से मैं डिनोट कर लू, ठीक है. इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें जो डीजेनरेसी है उसकी वैल्यू है वन, उसकी एनर्जी की वैल्यू है जीरो. इस वाले केस में डीजेनरेसी की वैल्यू है 2 और एनर्जी की वैल्यू है 2 केबीटी. अगर आप इसको सोल्व करोगे अब तो ये क्या होगा, ये तो e टू द पावर 0 इज 1 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा e टू द पावर माइनस 2. अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.27. तो हमारे पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.27. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डे सेंडर रिएक्शन. इसमें पूछा हुआ है द नंबर ऑफ द फॉलोइंग डायन्स दैट अंडरगो डे सेंडर रिएक्शन विद मिथाइल एक्राइलेट इज. तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि अगर डायन को क्या करना है, एक्ट करना है, मतलब अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है डे सेंडर रिएक्शन में, तो होता है ये कि दोनों बॉन्ड्स जो आपस में सिस होने चाहिए, ट्रांस होनी नहीं चाहिए उसकी ज्योमेट्री. तो इस वाले केस में क्या दिया, सबसे पहले फिर एन दिया हुआ है, तो इस वाले केस में क्या है, सिस है तो ये तो देगा. नेक्स्ट भी एग्जांपल ऐसा ही है, ये भी देगा. अब जो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इस वाले केस में क्या क्या हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसमें जो डबल बॉन्ड है दोनों ट्रांसपोजिशन पे है, तो ये वाला रिएक्शन नहीं दे सकता. ऐसा ही जो नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है ये भी ये दे सकता है क्योंकि दोनों सिस हैं. नेक्स्ट वाला नहीं देगा क्योंकि जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं वो आपस में ट्रांस दिए हुए, इसको इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ये तो आपस में ट्रांस हो गए और ये सिस अटेंड भी नहीं कर सकते, तो ये वाला नहीं देगा. उसके बाद ये ओपन सिस्टम है,
ये चाहे भी तो ट्रांसफॉर्म में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्म में गया इस तरह से, अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो क्या होगा, ये सी एस थ्री यहां पर आएगा, ठीक है, और फिर क्या, और सी एस थ्री तुम्हें यहां रखते इस तरह से ये हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ के जो एच है इनमें क्या होगा, रिपल्शन, तो ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सिस में ही एग्जिस्ट करेगा, तो ये देगा डिसेंट्रल रिएक्शन। और लास्ट जो दिया हुआ है एग्जाम्पल समथिंग सेवन मेंबर सिस्टम काइंड ऑफ दिस, तो ये भी क्या एक्सेस है, तो देगा। इन्होंने क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ फॉलोइंग डाइज दैट अंडरगो डिसेंट्रल रिएक्शन, तो कितनी होगी, वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टीरियो केमिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द नंबर ऑफ कंपाउंड्स दैट डू नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए, या तो कायरल सेंटर हो जिसमें एक कार्बन पे चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हो, तो वो तो क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, और क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कुछ ऐसा कंपाउंड जिसमें या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाए, जैसे सिसोर ट्रांस बन जाए, उसके इसमें क्या जाएगा, प्लेन हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हम वन बाय वन करके ये डिस्कस करते हैं जो एग्जांपल्स दिए हुए। सबसे पहले इन्होंने दिया है ये ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें चार डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये तो क्या हो गया, एक कार्बन है जिसमें फोर डिफरेंट ग्रुप्स है, तो ये तो क्या है, कायरल है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिया है जिसमें ओड नंबर ऑफ बॉन्ड्स दिए हैं, इस तरह से दिया हुआ है, ये तीन बोन्स हैं बीच में, तो ये क्या हो गया, एक ऐसे प्लेनर सिस्टम नहीं, क्योंकि अगर ये दो बोन होते तो ये अलग सिस्टम हो जाता, उस वाले केस में ये हो सकता था ऑप्टिकली एक्टिव, बट इस वाले केस में तो क्या है, ट्रांसवर्सल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर इसको ऐसे कट कर दे इस वाले प्लेन से, तो ये पूरा कट हो जाएगा, तो ये क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल इस तरह से दिया हुआ है, ये है और साथ में इन्होंने ये लगाया हुआ है, ये तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन भी होगा, तो ये सेंटर क्या होगा, कायरल सेंटर, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट में इन्होंने क्या दिया हुआ है, ये वाला, इसको हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देखो इस तरह से दिया है, अगर हम यहां देखेंगे तो हमें नहीं दिखेगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एच, और यहाँ पे इस तरह से इसको हम एक काम करते हैं, सोवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमें इस तरह से लिख रहा है, OH जो है वो आगे की साइड है यहाँ पर, एच जो है वो बैक साइड पे है, और इस वाले कार्बन की बात करें, OH बैक साइड पे है और यहाँ पर एच, ठीक है। अब हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करके इसको ऊपर ले जाएंगे, जैसे ही ये यहां पे आएगा तो ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, तो एच यहां चला जाएगा और एच यहां पर आ जाएगा, ये प्लास वाला ऐसे ऐसे रहेगा, क्योंकि हमने सिर्फ आगे वाली कार्बन को चेंज किया हुआ है ऐसे करके। तो क्या हो रहा है, दोनों ये ऊपर साइड पे सी ओ एच है, एच बैक साइड पे है, ओवर आगे साइड, तो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल है इसी में, ये हमें क्या दिया हुआ, बाइफिनाइल सिस्टम, देखो जो बाइफिनाइल सिस्टम होता है उस वाले केस में, अगर उसको हम चाहते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो जहां पे ये पोजीशन, जहां पे इन्होंने सब्सटीट्यूट किया हुआ है, उसको बल्कि होने चाहिए, और एच और एफ बल्कि ग्रुप्स नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, रोटेशन होगी, जो ये सिंगल बॉन्ड है इसके अराउंड रोटेशन होगी, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और जो लास्ट वाला एग्जाम्पल दिया है उस वाले केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसको मैं यहां पर बता दूं,
देखो जो ये वाला एग्जाम्पल है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कैसे अगर मैं इसको, ये बेसिकली ऐसे होता है, जैसे ये एक ऐसे है, ये एक ऐसे है, तो इसको मैं सेंटर से कट कर दूं, यहां से ग्राइंड ड्रॉ करूं तो क्या होगा, ये कट जाएगा, ये बेंचिंग तो बिल्कुल ऐसे ऐसे करके कटेगा, और ये इस तरह से प्लेन है इसमें, इस तरह से क्या करेगा, इसको सेंटर से कट कर देगा और ये होता है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमसे पूछा गया था डू नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो कितने हो गए, ये तो देगा, ये नहीं देगा, 1 2 3 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 4। फोर मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, फोर मॉलिक्यूल्स इतने हैं ऐसे हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है।